आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सीएम की सभा। बुरहानपुर जिले में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना का लोकार्पण किया, तो वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए खूब कोसा। साथ ही बुरहानपुर जिले में कोरोना में बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए भी बधाई दी गई। बुरहानपुर जिले में के ग्राम खड़कोद में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बुरहानपुर में जल जीवन मिशन योजना का किया ई लोकार्पण और कई कार्यों का भी भूमि पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के 900 गांव की नल जल योजना का भी किया वर्चुअल शुभारंभ। स्थानीय महिला द्वारा निकाली गई जल कलश यात्रा में हुए शामिल। सर पर कलश लेकर चले कलश यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही आम सभा को भी संबोधित किया। बुरहानपुर जिला घर घर तक नलों से पानी पहुंचाने वाला पहला जिला बना। 129 करोड़ की जल योजना मिशन योजना में 176 ग्राम पंचायतों के 254 गांव की 504 साइट के 5 लाख जनसंख्या तक मिलेगा योजना का लाभ। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को भी कोसा और कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन सरकार के चलते कार्य में देरी हुई। कांग्रेस का ही पानी खत्म हो चुका है, जो जनता को क्या पानी पिलाएगी। वही बुरहानपुर जिला कोविड में सबसे पहले रिकवर करने वाला जिला बना, इसके लिए मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर की तारीफ की और बधाई दी। आइए देखते हैं। उनके बेटा बेटी हो गए, अब उनकी शादी हो गई, बताओ मामा रहे तो कहाँ रहे। तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, एक क्रांतिकारी फैसला अपने सब गरीबों के लिए, जिनके पास रहने का आसियाना नहीं है, जगह नहीं है, उनको गांव में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। बोलो रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये बुनियादी अधिकार है हमारा। अरे भगवान ने पैदा किया है तो इतनी जमीन के टुकड़े का तो हक है कि अपना अपने रहने की लायक जमीन उसकी हो। और उसके बाद इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे। 10,000 करोड़ रुपया बजट में हमने रखे हैं। कितने रुपया रखे हैं बजट में? 10,000 करोड़ रुपया कितने रखे हैं? और बोल के बताओ कितने रुपया रखे हैं? 10,000 करोड़ रुपया। इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे, अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाएंगे, उसके बाद फिर 10 लाख मकान बनाएंगे। 3 साल में